राम राम लादर के कह रहा व्लॉग का आएगा वेलकम। स्वागत है तुम लोगों का एक और प्यारे व्लॉग के अंदर जो एक व्लॉग कम चैलेंज ज्यादा होने वाला है। देखो मैं काम वगैरह में बिजी रहता हूँ, मैं बाहर जा ही नहीं पाता ज्यादा। इनफैक्ट इस टाइम भी मैं गेमिंग चैनल की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। फ्राइडे सैटरडे की इस चैनल के ऊपर मैं व्लॉग के साथ कुछ चैलेंज भी कर सकता हूँ। तुम लोगों को पता है मेरी जो डाइट है वो कितनी स्ट्रिक्ट रहती है, मतलब मैं यूजुअली पूरे दिन घर का खाना खा रहा होता हूँ, बट आज नहीं। आज मैं करने वाला हूँ हाई कैलोरी चैलेंज। देखो हर एक इंसान की मेंटेनेंस कैलोरीज होती है, मतलब अगर मैं इतनी कैलोरीज खाऊंगा तो मेरा जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहेगा, और मेरी करंट है 2600, इसके आसपास ही है। तो मैं आज अटेम्प्ट करने वाला हूँ इसका डबल, मतलब मैं आज मोर देन 5000 कैलोरीज खाने वाला हूँ। मेरा यूजुअली 2600 कैलोरीज होती है, बट आज उसका डबल खाने वाला हूँ और मेरे हिसाब से 5000 से प्लस जाने वाला है, बिकॉज आज मैं घर खाने के साथ थोड़ा बाहर खाना भी खाने वाला हूँ। देखो अगर तुम जिम वगैरह कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट एक मंथ के अंदर 2 वीक के एक दिन चीट मील खा सकते हो, उससे क्या होता है तुम्हारा पेट खुश रहता है कि जो उसे खाने का मन है वो चीजें मिल रही है उसको। पता नहीं मेरा लास्ट चीट डे कब था। तो मैं आज करने वाला हूँ और बहुत सारा भारा खाने वाला हूँ। मैं सुबह जिम गया था, जिम जाने पहले मैंने बस एक बनाना खाया था। बनाना में कितनी कैलोरीज होती है? तो एक मीडियम बनाना के अंदर 105 कैलोरीज होती है। अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं 2 आइटम खा रहा हूँ। पहला गाय का दूध प्लस 15 ग्राम पीनट बटर, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1000 कैलोरीज हो चुकी है। साथ में मैं चैलेंज कर रहा हूँ तो मैं 15 अंडों का ऑमलेट खाने वाला हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा खा लेता, फिर मेरे को याद आया मेरे को चैलेंज करना चाहिए, मैं थोड़ा फ्री हूँ आज। सो वो होल 15 अंडों का ऑमलेट है और शेक से 1000 और ऑमलेट से 1050 कैलोरीज। सो अभी सुबह ही मैंने 2155 कैलोरीज कंज्यूम कर ली है, मतलब करने वाला हूँ, खाया नहीं अभी सारा। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मेरी 5000 नहीं बल्कि 10000 कैलोरीज हिट होने वाली है आज, मतलब मैं अपने डाइट का 4 टाइम्स खाने वाला हूँ। वेल लेट्स गो। मेरे को वैसे चैलेंज आज भी नहीं करना था, बट मेरे को आज में कल के लिए मतलब फ्राइडे के लिए 2 प्रमोशन वीडियो रेडी करनी है। अगर मेरे को वीडियो बना के अपलोड वगैरह करनी होती तो थोड़ा ज्यादा बिजी शेड्यूल होता, बट सिंस मेरे को अपलोड नहीं करनी तो मैं रात का काम कर सकता हूँ। मेरे को कुछ एक टाइम लिमिट नहीं है कि मुझे इस टाइम से पहले अपलोड करनी है ताकि अच्छा रिजल्ट आए, बिकॉज ज्यादा लेट अपलोड करूँ तो अच्छा रिजल्ट नहीं आता, मैंने देखा है। इसलिए मैंने साथ में ये चैलेंज भी ले लिया। ऑमलेट डन, ऑल्सो डन। तो ब्रेकफास्ट में 2155 कैलोरीज हो गई। अब मैं थी थोड़ी स्क्रिप्ट वगैरह लिखने वाला हूँ, मैं थोड़ी लिखी हुई थी कुछ बुलेट पॉइंट्स, उनको प्रॉपर लिखने वाला हूँ। साथ में सेकंड चैनल के लिए कुछ थ्योरी वगैरह लिखने वाला हूँ। सो अगली मेन प्रॉब्लली लंच ही होने वाली है मेरी सीधा, क्योंकि 11:30 तो अभी हो चुके हैं। उसके अंदर मे भी हर का हो जाए, बट शाम को तो जरूर होने वाला है, एटलीस्ट दिन की एक मील तो। अब मुझे चीट मील करनी है प्लीज। यो अभी 2 बजे ना, 2:30, हाँ मैं 2:30 बोल लूंगा, मैं 1:30 नहीं बोलता ना, मेरे को याद कौन सा होता है, तो इसलिए 2:30, 1:30 और 2:30। हाँ लंच टाइम हो चुका और मैंने मे चैनल की स्क्रिप्ट भी लिख दी, नेक्स्ट लेवल लिखी है, सच बता रहा हूँ। जब भी मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ मुझे हर स्क्रिप्ट ऐसी लगती है कि भाई ये तो नेक्स्ट लेवल लिख दी मैंने। बट सच में ये वाली काफी बढ़िया है और थोड़ी डार्क भी है। पता है शॉर्ट थोड़ी डार्क करता था, जब मैं लॉन्ग वीडियो डार्क कर देता हूँ ना, तब उस पर चांस रहता है कि ये लेटर आना ही आना है। शॉर्ट पे तो आता ही मेरे को दिक्कत नहीं है, पर मेन बात है ना, तो उसकी रीच भी रुक जाती है, उसे आने भी रुक जाती है। और मेरा मेन चैनल ये है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है चारों में से। असली बात तो है जो मेरा सेकंड चैनल सबसे ज्यादा अर्निंग उससे होती है, बिकॉज मैं सबसे ज्यादा वीडियो डालता हूँ मैं, और उसे व्यू भी काफी अच्छा आते हैं। बट मेन चैनल जो है ना वो ऐसा है कि लोग उस वीडियो को बार बार देख सकते हैं कुछ टाइम बाद भी, बिकॉज वो जोक्स वगैरह हैं। मैंने काफी सुना लोगों को बात करते हो कि मैंने आपकी वीडियो फिर से देखी थी, फिर से देखना आपकी वीडियो। खैर अभी तो लंच टाइम, देखता हूँ मैं लंच में कितनी कैलोरी ठूसने वाला हूँ। मैंने अभी ऑनलाइन ऐप वगैरह के अंदर देखा, उसके अंदर तो 120-130 के भी, मेरे में कुछ नहीं, अभी खाया भी नहीं मैंने, 120-130 के भी आ रहे हैं 200 में। मैंने ऐसे बढ़िया बाहर हांड के ले आऊंगा, चले हांड ने। सम चेंज ऑफ प्लान्स, मैं बाहर से आ गया, मुझे नहीं मिला कोई भी जगह है छोले भटूरे खा सकूँ, मैं ले सकूँ खाने को। अब मैं खाने वाला हूँ मटन कबाब, उसके अंदर तो बहुत कैलोरीज होने वाली है, देखते खाने पे कितनी होंगी। हाँ जी बताइए भैया। एक मटन कबाब, मटन सीख कबाब, एक और कुछ? बस यही। एड्रेस तो पता है ना? हाँ ओके। ना तुम सोच रहे हो एड्रेस तो पता है ना वाली क्या बात हुई, हम यहाँ से बहुत खाना मंगाते रहते हैं, मतलब यही चिकन या फिर मीट वगैरह यूजुअली। सो नाउ दे नो कि किसका फोन आ रहा है, नाउ दे नो एड्रेस कौन सा है। खाना तो आ गया, बट साथ में कौन आया है? तुम्हें विकी आते जी नहीं मिलेगा, सारा मेरा ही है, सॉरी। हाँ तो मिलेगा, चैलेंज कर रहा हूँ, एक विकी जरूर नहीं मिलेगा। तो देखो मटन सीख कबाब 200 ग्राम, ठीक है, उसमें खुद ही इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी है, और पर 100 ग्राम में 237 कैलोरीज हैं, और ये कुछ 250 ग्राम का है। तो मेरा टोटल लंच होने वाला है अप्रोक्स 600 कैलोरीज, 592। शॉपिंग्स डन, टाइम टू हीट इट अप। मटन और साथ में प्याज। अब इसमें भी कुछ कैलोरीज होते हैं, बट मैंने इसमें 2 पीस वीगन के लिए रख दिए, तो इक्वल कर लो इन दोनों को। तो मुझे जो लोग भी नॉन वेज वगैरह खाते हैं उन्हें पता होगा कि मटन कितना ज्यादा मतलब टेस्टी होता है। मेरे भी जिम में पानी आ रहा है। पहली बात, इसके अंदर हर एक चीज बहुत हाई होती है, कैलोरीज, प्रोटीन, फैट, हर चीज काफी हाई होती है इसके अंदर एज कम्पेयर टू चिकन। साथ में इसका टेस्ट, मुझे पता नहीं मैं कितने टाइम बाद खा रहा हूँ।
मैंने बहुत चीजें कंज्यूम करी नॉन वेज के अंदर, जैसे कि चिकन, मटन, फिश और कुछ चीजें और जो मैंने बीबीक्यू के अंदर ट्राई करी थी, जैसे कि वो PAWN, गलत प्रोनाउंसिएशन है करूंगा मैं, मुझे पता है इसलिए मैंने स्पेल करा उसको, पर मैंने एक बार एक टाइप की फिश खाई थी और लाइक वो वन ऑफ द टेस्टीएस्ट चीजें मैंने आज तक खाई है सीरियसली। मैंने सोचा था मैं इस टाइम छोले भटूरे खाऊंगा साथ में पीनट बटर और ब्रेड वगैरह। छोले भटूरे मेरे लिए ऑनलाइन महंगे आ रहे थे, घर में ब्रेड थी नहीं, इस टाइम दुकान बंद होती है, पीनट बटर था बट ऐसी खाने में इतना मजा नहीं आता। मेरे लंच को इंक्लूड करके मेरी अभी कुछ 2600 कैलोरीज बने जो मेरे पूरे दिन की कैलोरीज होती है और अभी आधा दिन पड़ा हुआ है। चलो मैं अपना लंच एंजॉय करता हूँ साथ में काम कर रहा हूँ, मिलते हैं शाम को प्रोबेबली कुछ जंक फूड के साथ मे बी। मेरे को जस्ट अभी याद है मटन के अंदर हीट बहुत होती है, मेरे को पसीना आ रहा है अच्छा खासा, मैं दो तीन बार साफ करता हूँ अपने मुंह से। It is tasty as well. Lunch done. मेरे चाहे तो मैं ये दो बिस्किट भी लेकर जा रहा हूँ, पहले बात मुझे शूट के लिए चाहिए, सेकंड मैं खाने भी वाला हूँ। ये 100 ग्राम के हिसाब से और 100 ग्राम में इसमें 480 कैलोरीज हैं, बट ये 38 ग्राम का है। बताओ इस 5 रुपए के पैकेट में 185 कैलोरीज हैं। अब इसकी बारी, देखो इसके पर 100 ग्राम में कुछ 465 कैलोरीज हैं और पूरा पैकेट 64 ग्राम का है, टोटल में कुछ 300 के आसपास है, बट मैं ऑफकोर्स हाफ खाने वाला हूँ बस। इसको और डिवाइड कर दो बाय 2, सो इसमें कुछ 148। तो ये मेरा सुबह का खाना प्लस मटन 50-50 185 और बाउंस वाले 148, 3080 कैलोरीज मेरी ऑलरेडी हो चुकी है आज की। मैंने अपना सुबह वेट देखा था वो था 67.1 समथिंग था, आई एम डैम श्योर कुछ परसेंट तो बढ़ेगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट, बट ऐसे यार ये भी वैसे टेक्निकली देखा जाए ना तो मेरे चैलेंज में एग्जैक्टली 5000 इतना मैं एम कर रहा हूँ, उतना खाऊंगा नहीं मैं, बट मैं खाऊंगा तो बट उतना हो नहीं पाएगा ना। इसका क्या मतलब हुआ, देखो जो मैं खाना खा रहा हूँ ना, ये खाना पचाने के लिए भी हमारा पेट भी कुछ कैलोरीज बर्न करता है। मेरा रूम 3rd फ्लोर पे सेट है तो मेरा नीचे ऊपर आना भी बहुत होता है, तो सीढ़ी चढ़ने में कुछ परसेंट कैलोरीज बर्न होती है। इनफैक्ट सुबह सुबह मैंने एक काफी हाई वॉल्यूम बैक ट्रेनिंग करी है, बैक रियल डेल्ट और बाइस है और साथ में 4 आर्म्स, उसमें कुछ और परसेंट कैलोरीज बर्न हुई है। सो एग्जैक्टली जो कैलोरीज होती है ना वैसे मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है कि नॉर्मल बंदे के लिए, और मैं भी नॉर्मल बंदों में फॉल करता, मैं कोई ओलंपिया कॉम्पिटिटर नहीं हूं जो मुझे अपनी हर एक कैलोरीज माइक्रो मैक्रो जो भी होता है वो ट्रैक करने हैं ना। मजे में खाना खाओ भाई, दिस इज गुड। मैंने स्किट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था सो आई हैव टू ओपन दिस। मेरी रिकॉर्डिंग होगी बस लास्ट गोजो के रहेगी, उनमें पता लगा समोसा आ चुके हैं, लेट्स गो। उसके बाद रिकॉर्डिंग करता हूं बिकॉज़ अगर मैं लेट करूंगा तो मैं तक खा नहीं पाऊंगा, सो समझ रहे हो ना। ए बिगे मैं आ गया माय बॉय, तुम भी आ जाओ तुम। ओ हेलो, आप नहीं खा रहे, तुझे मिलेगा 3 नहीं मिल, इसको देखना इधर है खड़ा होगा भैया, तुम्हारे लिए नहीं होती चीज, हट जाओ यहाँ से साला चटोरा पूरा हट। पता नहीं अपुन कितने सालों बाद ये खाने वाला है। समोसे डन और हाँ ब्रेड आ चुके हैं, सो अब ब्रेड पीनट बटर भी साथ में। एक समोसे की 308, सो 3 का कर लो तो कितना हुआ 924। ये थे पहले अपनी 4004 तो ऐसे हो गई। सॉस कितनी करूं, सॉस की भाई सॉस भी बहुत ज्यादा थी। हाँ तो कितनी सॉस की होती है, हाँ तो गंदी नहीं, कैलोरीज कितनी होती हैं, ऐसे उसे ज्यादा होगी पर 100 लगा ले। चलो 100 ठीक है, 4104 हो गई। और ब्रेड पीनट बटर और घी, हाँ घी में सिक रही है ब्रेड, ठीक है। तो 3 ब्रेड कितनी होती है, कितने ग्राम ले रहा है तू पीनट बटर? 100 ग्राम तीनों मिला के 600। भाई मैं तो पहले बोल रहा था अगर तुम्हें गेन वेन करना है ना, पीनट बटर इज अ थिंग फॉर यू, उसमें काफी हाई कैलोरी होती है। पीनट बटर इज नॉट अ गुड फॉर गेनिंग, मतलब यार पनीर खाओ, पनीर पनीर ठीक है, पनीर या फिर एग्स वगैरह वो हाई, काफी हाई प्रोटीन होता है ठीक है, बट कैलोरीज हाई गंदा भी, हाँ ठीक है। पर पीनट बटर क्वालिटी फूड नहीं था, क्वालिटी फूड खाने गेनिंग में तो पनीर ही है। तूने 10 ग्राम प्रोटीन लिया सोयाबीन से, हाँ तेरी बॉडी में 6 ग्राम ही अब्सॉर्ब कर सकती है, तो ये बोलना अब्सॉर्प्शन वाली बात। तो क्वालिटी तभी तो कह रहा हूँ, क्वालिटी तो लोग उनको पता है, मेरे को पता है बारे में। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स हो दबा के दूध दही पनीर, उनका बेसिकली अब्सॉर्प्शन रेट ज्यादा होता है, लाइक जितना कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा नहीं फुल होता है। अच्छा मतलब प्रोटीन दूध से लोग 10 का 10 लेगी बॉडी, गॉट इट। अगर 10 लेंगे तो 10 का 10 ही मिलेगा, और यूजुअली प्रोटीन दूध, हाँ मैंने सुबह भैंस का दूध ही पिया था वैसे, गाय का दूध ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। ऊटनी कहाँ से आ गई इसमें, ऊटनी कहाँ से आ गई, दूध पियो दूध ठीक है यार। 106 सुबह से मैंने इतना सारा खाना खाया, कुछ भी मुश्किल फील नहीं हो रहा एक्सेप्ट
फॉर ब्रेड एंड पीनट बटर। ओके सीरियसली काफी ज्यादा है। तो ब्रेड पीनट बटर का ये लास्ट पीस, मैंने 3 ब्रेड कंज्यूम करी और जो मैंने कंज्यूम करी उसकी एक ब्रेड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 80-85 कैलोरीज है। सो 80 मान लो तो 240 और 100 ग्राम पीनट बटर मान लो कुछ अराउंड 600 कैलोरीज। जरा कैलकुलेशन करी जाए, 4104 पहले हो गई थी प्लस 240 प्लस 600 इज इक्वल टू 4944 कैलोरीज। मेरा ऑलमोस्ट डबल हो ही चुका है दिन का, बट अभी मैं बहुत कुछ और खाने वाला हूँ। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो तू, बोतल साले तू, तूने बोतल खा ली बापत ने, ये देख ये क्या, ये बोतल क्या हाल कर दिया इसने, तू मैं साले क्या बिसलेरी का क्या कर दिया अभी की तूने, देख भी ऐसा तेरी प्रॉपर्टी ले लो मैंने कोई छीन भी रहा है मुझसे, बताओ बेशरम कुत्ता। नहीं नो मेरी मेन चैनल की रिकॉर्डिंग हो गई और मैं बाहर से जस्ट अभी 2 कोन लेकर आया हूँ बटर स्कॉच के, और साथ में ये ब्रिटानिया का केक लाया हूँ चॉकलेट वाला, जिसमें पता नहीं क्यों बट डोरेमोन बना हुआ है। अब इनकी कैलोरीज काउंट करने बैठो, जो ब्रिटानिया के 100 ग्राम में कुछ 423 कैलोरीज होती है, 423 डिवाइड बाय 100 वो आ गया हमारा 1 ग्राम का, और इस पैकेट में टोटल 60 ग्राम है। सो 60 × 4.23 अराउंड 250। अब कौन, सो इसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 80 ml के हिसाब से लिखी है, और ये है ही 80 ml का, मतलब इसका जो नेट वॉल्यूम है वो 80 ml ही है। सो इसके अंदर 160.9 कैलोरीज है, सो सेम गोज फॉर दिस। सो 253 प्लस 160 प्लस 160 573, और पहले मेरा 494 समथिंग था, 573 प्लस पहले था मेरा 4944 ऐसा कुछ ही था। सो मेरा टोटल बना है 5517 कैलोरीज पूरे दिन की। हाँ तुम सही कह रहे हो क्योंकि आप अभी ये खाया नहीं, बट मैं खाने वाला हूँ अभी कुछ 8 बजे हैं, मतलब मुझे भी नहाना है, उसके बाद मैं थोड़ा रात बैठता हूँ अपने एडिटिंग वगैरह करने, तो उसके अंदर मैं सब कुछ मतलब उसके अंदर मैं ये सभी कंज्यूम करने वाला हूँ, तो हाँ दिखा भी दूंगा। और हाँ चाहे मैं दिन में मैंने काफ़ी सारा खाया, साथ में मैंने बाहर का भी कुछ खाया, बट पानी भी मैं काफी कंज्यूम कर रहा हूँ, तो पानी भी पिया करो। आइसक्रीम और टाइम, एक्चुअली मैं सेकंड वाली एक मैंने ऑलरेडी खा ली। शाम के टाइम सब लोग साथ में बैठे बात बात कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो मुझे याद ही नहीं ना मुझे आइसक्रीम रिकॉर्ड करनी थी, मैंने निकाल ली खाई फेंक दिया, फिर याद आया ओह मैं तो रिकॉर्ड ही नहीं करा। बात तो ऐसा होता रहता है, पर हाँ मैंने केक अब तक टच भी नहीं करा, और हाँ मैं नहा भी लिया था, अभी मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं लाइक वो जुल्फे से नहीं मारते ऐसे, हाँ निकलते हैं, मतलब सूख जाएंगे आई एम डेफिनेटली शॉर्ट, तब जैसे जुल्फे से मार रहे होंगे। मुझे सीरियसली बहुत ज्यादा टाइम हो गया आइसक्रीम वगैरह भी खाए। वैसे ये अमूल मदर डेरी की नहीं कोई और कंपनी की है, और इसका जो बटर सॉस का फ्लेवर है ना वो थोड़ा अजीब सा है। लाइक मैं बटर सॉस खाया काफी टाइम हो गया, बट स्टिल आई रिमेम्बर द फ्लेवर कैसा होता था, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है इसका फ्लेवर। और ये ब्रिटानिया का चॉकलेट डोरेमोन का केक, जिसपे लिखा हुआ है डोरेमोन स्टिकर विद दिस पैक, वेयर द हेक इज द स्टिकर। अरे टूट गया यार। पता नहीं शुरू में कैसा पार्ट आ गया, बड़ा अजीब सा टेस्ट है, बट बाद वाला बिल्कुल वही लगा से होते थे इसके ब्रिटानिया के केक वगैरह। पैकेट का लास्ट बाइट यार मेरे को डोरेमोन स्टिकर नहीं मिला, बट हाँ विद दिस मेरी 5500 या 400 जितनी भी कैलोरीज है वो हो गई। सीरियसली आज मैंने अपने कैलोरीज का डबल खाया, मेरा पेट लिटरली भरा हुआ है, मेरे को नींद आ रही है, बट गॉट सम वर्क टू डू। मिलता तुम लोगों से सुबह और बताऊंगा कि मैं व्लॉग को अभी एंड क्यों नहीं कर रहा हूँ, जिम के लिए थोड़ा लेट, और व्लॉग मैंने खत्म क्यों नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जाकर अपना वेट देखना है। मेंटेनेंस कैलोरीज से डबल कैलोरीज कंज्यूम करें, सो लेट्स सी कुछ फर्क आता है एक दिन के अंदर। मेरे को पता है बहुत ही अजीब है वो, एग्जैक्टली I don't need sleep, I need answers. कल 67 something था, आज 66.66 something. Actually मैं कहना मैं लग तो रहा था कि इतना डिफरेंस नहीं आएगा, मे भी कम ही हो जाए, क्योंकि वही बात है तुम्हारा एक दिन के अंदर ऐसे वेट बहुत ज्यादा बढ़ नहीं सकता, ये ओवर टाइम होता है, साथ में मैंने खाया भी होता है, तो कैलोरीज बर्न भी ऊपर नीचे रहता हूँ, जिम भी इतना करता हूँ, तो थोड़ा कम हो ही जाता है वो। बट हाँ जो चैलेंज था वो तो मैंने कर लिया, और ब्लॉग कहीं पे एंड करते हैं। अब उन मिलता तुम लोगों से ऐसी और ब्लॉग्स और चैलेंजेस के साथ, सायोनारा। और अगर तुम्हारे माइंड में कोई उल्टा चैलेंज तो कमेंट